नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कोरोना स्पेशल ट्रेन, जो कि है आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन, जो कि विशाखापट्टनम जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में रोजाना चलती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन। ये जो ट्रेन है विशाखापट्टनम जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में हफ्ते में 7 दिन चलती है, डेली ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 02805। ये 1 जून से दोबारा स्टार्ट कर दी गई है। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम से नई दिल्ली के बीच में चलती है और 32 घंटे 35 मिनट में जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन्स हैं, 2101 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 64 किलोमीटर पर आवर। कोविड-19 टाइप की ट्रेन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है और ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। तो आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन का टिकट किराया बताऊंगा वो विशाखापट्टनम जंक्शन से नई दिल्ली तक का कोचेज वाइज किराया बताऊंगा। तो आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। विशाखापट्टनम से नई दिल्ली तक चलने वाली आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन में एक कोच जो है फर्स्ट एसी का है, जिसका विशाखापट्टनम जंक्शन से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि है 5200 रुपये, जिसमें 4870 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है और टोटल GST चार्ज जो है वो 248 रुपये के करीब है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी के इसमें तकरीबन 5 कोचेस हैं, तो इसका जो किराया है वो है 3045 रुपये, जिसमें 2805 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और 145 रुपये जो है GST चार्ज इसमें शामिल होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी के 7 कोचेस हैं, जिसका किराया है 2105 रुपये, जिसमें 1919 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 101 रुपये के करीब है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन में स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 810 रुपये, जिसमें 760 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है, टोटल किराया इसका 810 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है। जनरल अनरिजर्व डिब्बे नहीं है, पेंट्री कार यानी कि रसोई यानी कक्ष, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको जो है अलग से ट्रेन में डायरेक्टली जो है फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन, जो कि कोरोना स्पेशल ट्रेन है, उसका टाइम टेबल क्या है और विशाखापट्टनम से नई दिल्ली तक उसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो है विशाखापट्टनम जंक्शन से हर रोज रात को 10 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 2101 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। 32 घंटे 35 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है और इसका स्टेशन कोड है VSKP। इसके बाद आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो राजा मुंद्री स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:58 पर और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और विशाखापट्टनम से राजा मुंद्री की जो दूरी है 200 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो इलूरू स्टेशन में पहुंचती है रात के 2:13 पे और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 290 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है। यहां पर 4:05 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 350 किलोमीटर की दूरी जो है ये विशाखापट्टनम जंक्शन से विजयवाड़ा जंक्शन तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो खम्मम स्टेशन में पहुंचती है 5:45 पे और 5:46 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है ये ट्रेन जो है खम्मम तक की दूरी जो है 448 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वारंगल स्टेशन में पहुंचती है। वारंगल स्टेशन में इसका 1 मिनट का स्टॉप है, 7:20 पे पहुंचती है और 7:21 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 556 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पेड़ापल्ली स्टेशन में पहुँचती है। पेड़ापल्ली स्टेशन
मैं ये सुबह 8:41 पर पहुँचती और 8:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 640 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पेड़ापल्ली जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है PDPL। इसके बाद यह ट्रेन जो है रामागुंडम स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9 बजे और 9:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 657 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा जो है रामागुंडम तक विशाखापट्टनम से कवर कर चुकी होती है। रामागुंडम स्टेशन का स्टेशन कोड है RDM। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने 9वें स्टेशन श्रीपुर कागज नगर में पहुंचती है। श्रीपुर कागज नगर में ट्रेन जो है सुबह 10:12 पे पहुंचती है और 1 मिनट बाद 10:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। श्रीपुर कागज नगर जो है इस ट्रेन का 9वां स्टेशन है और श्रीपुर कागज नगर का जो स्टेशन कोड है वो है SKZR। विशाखापट्टनम जंक्शन से श्रीपुर कागज नगर तक की जो दूरी है आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है 730 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। श्रीपुर कागज नगर जो है तेलंगाना का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन पे आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है बल्हारशाह जंक्शन में दोपहर के 12 बजे पहुंचती है और 12:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विशाखापट्टनम जंक्शन से बल्हारशाह जंक्शन की दूरी है 800 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो चंद्रपुर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 12:23 पे और 12:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 814 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। चंद्रपुर स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है CD और इसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन में पहुंचती है। नागपुर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:55 पे पहुंचती है और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1005 किलोमीटर की दूरी जो है नागपुर जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। नागपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे 5 मिनट के लिए रुकती है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और नागपुर स्टेशन का स्टेशन कोड है NGP। नागपुर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन भोपाल जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9:30 पे पहुंचती है और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भोपाल जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन का और भोपाल जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है BPL और यहां पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। ये इस ट्रेन का 13वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 14वें स्टेशन और उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन झांसी जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:01 पे और 1:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1783 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GWL और ग्वालियर जंक्शन में और इसके बाद ये ट्रेन जो है इसका स्टेशन कोड है JHS। मैंने आपको ग्वालियर जंक्शन का गलती से बता दिया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो ग्वालियर जंक्शन में पहुंचती है। ग्वालियर जंक्शन में इसका पहुंचने का समय है रात के 2:05 पे और 2:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1905 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन और उत्तर प्रदेश के भी आखिरी स्टेशन आगरा कैंट में पहुंचती है सुबह 3:38 पे और 3:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1902 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन जो है वो नई दिल्ली में पहुंचती है जिसका स्टेशन कोड है NDLS। नई दिल्ली में ये ट्रेन जो है सुबह 6:35 पे पहुंचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। नई दिल्ली स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है NDLS और आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम जंक्शन से नई दिल्ली की जो दूरी है 2100 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ आंध्र प्रदेश COVID-19 स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। ये कोरोना स्पेशल ट्रेन है जो कि 1 जून से दोबारा स्टार्ट की गई है जो कि विशाखापट्टनम जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में चलती है। दोस्तों इसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। आखिरी में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुझाव जो है मैं अपने चैनल में शामिल करूं तो जरूर कमेंट करके बताएं। मैं उस पर जरूर पढ़ूंगा सबके और कमेंट्स को
देखता जरूर हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ में यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।